हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हुबेन हॉस अभिक्रिया डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि हुबेन हॉस अभिक्रिया क्या है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमको इस रिएक्शन के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सो मैकेनिज्म में डिटेल में समझेंगे। इसके बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, बेसिक इसका परिभाषा क्या है, सो द डाइहाइड्रिक अथवा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल को ZnCl2 एंड HCl की उपस्थिति में मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया किया जाता है तो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, जिसे फिनोलिक कीटोन भी कहा जाता है, यह प्राप्त होता है। इसे ही हुबेन हॉस अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके रिएक्शन में आप देख सकते हैं, जब डाइहाइड्रिक फिनॉल, जिसे रिसोर्सिनॉल भी कहा जाता है, किसी बेंजीन रिंग में दो OH ग्रुप जुड़े हैं तो उसे डाइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, इसी को रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। सो जब रिसोर्सिनॉल को मेथिल साइनाइड के साथ ZnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो हमको 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल फिनोलिक कीटोन प्राप्त होता है। इसी को हुबेन हॉस रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन है, बेसिक सा रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। डाइहाइड्रिक फिनॉल रिसोर्सिनॉल को मेथिल साइनाइड के साथ CH3CN के साथ ZnCl2 एनहाइड्रेस, ठीक है, ये निर्जलीय ZnCl2 एंड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल जो है फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है हुबेन हॉस अभिक्रिया। अब हम इसका मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से पूरे रिएक्शन के बाद हमको प्राप्त हुआ है। अब हम हुबेन हॉस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो ये मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है कि जब हम मिथाइल साइनाइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डाइहाइड्रिक फिनॉल होता है उससे जाकर जुड़ता है, उससे रिएक्ट करता है। फिर उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो हमको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सो पहले स्टेप में हम जो हम यूज कर रहे हैं HCl या ZnCl2, ठीक है, दोनों का जब हम मिथाइल साइनाइड के साथ, ठीक है, दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे तो मिथाइल साइनाइड के साथ पहले हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये है मिथाइल साइनाइड CH3C(NN) एंड ये है HCl। ठीक है, तो दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl में आपको पता है H प्लस NCl माइनस होता है। ठीक है, Cl जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H की तुलना में, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें मिथाइल साइनाइड में जो कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की तुलना में, तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे इधर, इसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज NH आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और Cl- और C+, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो हमको इस प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होगा। CH3 एज इट इज रहेगा, इस कार्बन से आके ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, इससे आके Cl जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, इस प्रकार बॉन्ड बना लेगा। अब फिर इसको एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब हम फिर रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त होता है। जनरली ये जो Cl है ये ZnCl2 के साथ जुड़ जाएगा और ZnCl3 के रूप में बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से एंड ये CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया होती है। जनरली क्लोराइड जो है कार्बन से ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो बॉन्ड होगा, टूटकर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहां से अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये ZnCl3 के Cl2 के साथ जुड़ के ZnCl3 बना के यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये हमारा कंपाउंड बच जाएगा। ठीक है, CH3C जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, N बॉन्ड H, ठीक है, इस प्रकार से ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप टू में क्या होगा, जो हमारा इंटरमीडिएट जो है, जो बेसिकली
इसमें और भी रिएक्शंस आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल सा है। यहाँ पे और भी स्टेप में आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप रिसॉर्सिनॉल जो डाइहाइड्रिक फिनॉल है उसको लिख के उसका फिर प्लस करके ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में क्या है, ये जो है हमारा डाइहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन में जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जिसके कारण ये जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा और इस प्रकार से यहाँ पे ये CH3C(NH) जो है आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो में भी हमने समझाया है, सिंपल सा होता है, ये बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन में क्या होता है, जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा। ये जो बेंजीन रिंग है जिसके कारण हर कोने में कार्बन है प्रेजेंट है आपको पता है, तो इस कार्बन में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। ये कार्बन ऑलरेडी जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑलरेडी पूरा बॉन्ड बनाए हुए हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर इस कार्बन की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसके कारण ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजिशन में, फिर ये हमको ये इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख देता हूं, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारा रिसॉर्सिनॉल, ठीक है, इस रिसॉर्सिनॉल में यहाँ पे आप प्लस करके इसको लिख सकते हैं CH3C(NH), ठीक है, ये एक स्टेप। उसके बाद फिर से जो है ये इंटरमीडिएट हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन होगा, उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, फिर इंटरमीडिएट जो है इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको। तो H2O जब इसमें जालेंगे तो सिंपल सा है, ये जो H2 है इस H के साथ रिएक्ट करके इस NH के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आके इस डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इसको हम 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक है, ये पूरा सिंपल सा हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है प्राप्त होता है इस मैकेनिज्म के बाद, ठीक है। तो ये है हुबेन-हॉस रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बार बार प्रैक्टिस करके आप देखेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा एंड इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था हुबेन-हॉस रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको बीएससी एंड एमएससी लेवल के हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर, वहां पे आपको इंस्टा मोजो का लिंक मिलेगा जहां से आप डायरेक्ट जो है पीडीएफ लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ स्टोर में पहुंच जाएंगे, वहां से आप जो है अपने यूनिट वाइज वहां आपको नोट्स मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स ले सकते हैं जिस भी यूनिट का नोट्स आपको चाहिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।